हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनिका। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अब हमने मोहब्बतों से लेके मर्यादाओं या परंपराओं पे बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, और अगर आप ना भूले हों तो आपको बता दूं कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसी पॉलिटिकल मतलब सीरीज़ भी आ चुकी है। ऐसी ही कुछ एक और सीरीज़ आई है जो कि है परंपरा। ये सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है। अब इस सीरीज़ को देखना है, नहीं देखना है, और इस सीरीज़ में क्या देखना है, ये सब अगर जानना है तो मेरे चैनल का रिव्यू एंड तक देखो दोस्तों। और उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोग अपना प्यार मेरे लिए जता दो लाइक और शेयर करके। तो चलिए अब मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बता दूँ, इस सीरीज़ के टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड कुछ 45 मिनट्स से लेके 1 आवर का है। अब ये सीरीज़ में मतलब सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आई है, मतलब तेलुगू हुआ, कन्नड़ा हुआ, तमिल हुआ, मलयालम हुआ, हिंदी, तो सब लोगों के लिए देखना बहुत ईजी है ये सीरीज़ को। अब इस सीरीज़ के बारे में मतलब स्टोरी के बारे में और एक्टिंग के बारे में बताने से पहले मैं नाम बता देती हूँ कास्ट के, क्योंकि अगर मैंने कास्ट का नाम बता दिया ना तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के बारे में तो कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे मोहन राव का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे जगपति बाबू, साथ ही इनके साथ जो भाई दिखाए हैं इनके नागेंद्र नायडू, उनका रोल प्ले कर रहे हैं शरद कुमार। अब इन दोनों के दो बच्चे भी हैं, मतलब जनरेशन वाइज पॉलिटिक्स तो दिखाएंगे ही। अब यहाँ पे मोहन राव के बेटे का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है नवीन चंद्रा, और उनका नाम है गोपी। और नागेंद्र नायडू का भी बेटा है भाई, तो उसका नाम है यहाँ पे ईशान, एक्चुअली उनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनका नाम है सुरेश। और अब इन दोनों के बीच में लड़की होना तो बनता ही था, तो वो है आकांक्षा सिंह और उनका नाम इसमें है रचना। तो ये मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स का नाम बता दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स को ला के एक सीरीज़ में रख दिया गया है, तो स्टोरी से ज़्यादा तो एक्टिंग ही मैटर करती है यहाँ पर। अब जैसा मैंने कहा, ऐसी ऑलरेडी हम बहुत सारी मूवीज़ या सीरीज़ देख चुके हैं, तो पॉलिटिक्स फाइनली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम पे क्या है पॉलिटिक्स? भाई कुछ नहीं है, सीट की लड़ाई है। अब वो सीट की लड़ाई कहाँ से चालू हो जाती है? बचपन से। हर किसी को चाहिए कुर्सी, माँ बाप को देखते हैं कि हमारे माँ बाप को इतना फेम मिल रहा है या पिताजी को इतना फेम मिल रहा है पॉलिटिक्स में आके, तो हमको भी वैसा ही चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है। अब जैसा कि नाम दिखाया है नागेंद्र नायडू, एक्चुअली नागेंद्र नायडू और मोहन राव दोनों वीरा नायडू के बेटे हैं, और इन दोनों के इर्द गिर्द मतलब या इनकी फैमिली के इर्द गिर्द ही पूरी सीरीज़ घूम रही है। ऑब्वियसली हमने देखा था सिटी ऑफ ड्रीम्स में कि फैमिली में पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब कैसे कुर्सी की लड़ाई है, लोग खून पे उतर चुके हैं, और कुछ ऐसा ही बट थोड़ा हट के, जहाँ पे आपको इमोशनल टच भी है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कभी कभी कि ये फैमिली बॉन्डिंग भी आ चुकी है यहाँ पे, तो आपको वो सारी चीज़ें भी यहाँ देखने मिलेंगी। मतलब सीरीज़ में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं वो भी दिखाया गया है, और रिश्तों के बीच में टकरार क्या वजह हो सकती है टकरार की, तो वो एक प्रॉपर रीज़न भी दिया गया है। हर एपिसोड का एक नाम है और वो नाम उस पर बहुत ज़्यादा सूट करता है, मतलब डायरेक्टर ने तो बिल्कुल सोच के रखा है, ऑब्वियसली रखेगा यार, डायरेक्टर और कोई नहीं है, हमारा बाहुबली का है फिल्म मेकर, तो मूवी मतलब बोलूँ तो सीरीज़ तो अच्छी होनी बनती ही थी। अब जैसा मैंने कहा, स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पर मोहन राव और नागेंद्र नायडू के बीच में टकराव नहीं हो पाता है, क्योंकि मोहन राव थोड़ा ऐसा रहता है कि दे दो यार भाई को, और नागेंद्र नायडू एक सीरीज़ में डायलॉग भी है, जैसा नाम है मतलब वैसा ही नाग है वो, तो वो सब कुछ खा जाता है। पर क्या उनके बेटे ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे और वो कैसे इसका बदला लेंगे, पूरी सीरीज़ इसी पे बनी है। और इस सीरीज़ में सबसे बड़ी बात थी कि मेन स्क्रीन या मेन टाइम जिसने कंज्यूम किया या यूज़ किया है पूरे टाइम, वो है गोपी, और उसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस देखने लायक है। सिर्फ उसका ही नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो नायडू बने मतलब हमारे शरद कुमार, उनने तो मतलब वो अपने रोल में ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा लगा कि छा गया यार बंदा, जान डाल दी उसने, इतना स्टाइलिश लुक दिया गया उसको बिल्कुल पूरे एटीट्यूड के साथ, यार मतलब इससे अच्छा विलन मैंने तो नहीं देखा है। जगपति बाबू तो भाई यहाँ पे बहुत पोलाइट और दूसरा राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा उनका नाम मतलब मोहन तो वह राम बन रहे हैं यहाँ पे। रचना थोड़ी कंफ्यूज्ड है सुरेश और गोपी के बीच में, तो कहानी ऐसी ही है, अब किसको ये लड़की मिलेगी और किसको वो कुर्सी मिलेगी, कैसे होगा ये सब कुछ,
ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, इससे ज़्यादा स्टोरी बता दूंगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। पर जैसा मैंने कहा, इतनी बड़ी बड़ी कास्ट है तो ऑब्वियसली एक्टिंग या परफॉर्मेंस के नाम पे तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतनी अच्छी एक्टिंग थी, हर कोई अपने रोल में बेस्ट था। मतलब ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं था जहाँ पे बोले कि यार ये बंदा थोड़ा फीका पड़ गया या फेल हो गया, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। सब ने मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल उस किरदार में छा गए, मतलब घुस गए, भाई अब तो यही हमारा रोल है और यही हम हैं। तो एक्टिंग ना मतलब नो डाउट बहुत 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 सॉलिड है, और साथ में जो उसका BGM दिया है हर जगह वो भी बिल्कुल सूट कर रहा है। मतलब सीरीज़ काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि अच्छी नहीं है, या काफ़ी बोल रहे होंगे अच्छी है मेरी तरह, जिनको मतलब लगेगा कि सेम स्टोरी होने अच्छी नहीं लगेगी, जिनको लगेगा कि नहीं हमको स्टोरी के साथ एक्टिंग भी देखनी चाहिए, तो उनको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। पॉलिटिक्स सीखनी है जैसा मेरे आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, तो पॉलिटिक्स सीखनी है तो भाई ये सीरीज़ देख सकते हो, और आपको बहुत सारे मतलब ऐसा लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या, घर वालों के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। तो इन ऑल टोटल मुझे तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और मैं इसी के साथ बोलूँगी कि आप लोग भी ये सीरीज़ देख सकते हो, क्योंकि इस वीक तो ज़्यादा कुछ मटेरियल रिलीज़ हुआ नहीं है देखने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सीरीज़ देखना बनता है। तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर लॉग इन करें और जाके सीरीज़ देखें, और अगर लॉग इन ना होना तो मुझे इंस्टा पर पिंग करें तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। और इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगता है, और आप और क्या क्या देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं सीरीज़ या मूवीज़ के बारे में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप तक पक्का पहुंचाऊंगी। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।